हेलो दोस्तों, तो आज हम बनाने जा रहे हैं कढ़ी की रेसिपी। कढ़ी बनाने के लिए हमने एक कटोरी दही लिया है और आधा कटोरी बेसन लिया है, और ये एक कटोरी जो मेरी पूरी है वो मैंने पकोड़े के लिए लिया है। ये दो हरी मिर्च है, एक छोटी गांठ अदरक की और कुछ कलियां लहसुन की है। तो चलिए हम लोग कढ़ी बनाते हैं। तो हम एक कटोरी दही ले लेते हैं, जितना बेसन हो उसका दुगना हमें दही लेना होता है, और ये आधा कटोरी अपनी बेसन हम डाल देते हैं कढ़ी के लिए। इसे हम अच्छे से फेंट लेते हैं ताकि कोई भी लम्स नहीं रहे बेसन और दही वाली। फेंटते समय पानी बिल्कुल ना डालें, नहीं तो दही और बेसन अच्छे से नहीं फटाएगा। बेसन हमारा अच्छे से फिर चुका है। अब हम इसमें 6 कटोरी सेम कटोरी से पानी डालते हैं। और ये हमारी 6 कटोरी हो गई, और इसे हम अच्छे से फिर से फेंट लेते हैं। अब हम इसे ढक के आधा घंटा के लिए छोड़ देते हैं। अब हम पकौड़े बनाने के लिए बेसन ले लेते हैं, जो हमने 1 कटोरी ली थी। इसमें हम आधा चम्मच अजवाइन डाल देते हैं, आधा चम्मच से थोड़ी ज़्यादा नमक डाल देते हैं, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च और जीरे का पाउडर उसे हम ले लेते हैं, 1 चम्मच के करीब हम मिर्ची पाउडर ले लेते हैं, और ये आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर लेते हैं। यदि आपको तुरंत बनाना है तो इसमें खाने वाला सोडा डालें, वरना ना डालें। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, ज़्यादा पतला पेस्ट हमें नहीं बनाना है, पकौड़े के लिए गाढ़ा ही पेस्ट बनाएं। इसे भी अच्छी तरह से मिलाएं ताकि इसमें भी लम्स ना रहे। इसमें ये बेटर थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, तो इसमें हम हल्का सा 2 चम्मच के करीब पानी और डालेंगे। देखिए ये ऐसे पकोड़े की तरह ऐसे गिरना चाहिए। अब हम इसे भी ढक के 20 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। आधा घंटे हो चुके हैं, अब हम अपने पकौड़े तल लेते हैं। इसके लिए हम आधा कटोरी तेल डाल देते हैं और तेल को गर्म होने देते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें अपने पकौड़े डाल देते हैं। ऐसे सारे पकौड़े डाल दें, मीडियम आंच रखें और इसे ऐसे करके पलट दें। देखिए ये ब्राउन हो रहा है। सारे पकौड़े को ऐसे ही पलट दें, नीचे से भी ब्राउन होने चाहिए। अब हम वो साइड से भी पलट देते हैं, देखिए इधर से भी ब्राउन हो गए। अब हम पकौड़े को निकाल लेते हैं। निकालो, तो हम निकाल लेते हैं सारे पकौड़े को। अब हम इसी में जो हमने ये लहसुन लिया था, ये 2 हरी मिर्च और ये 1 टुकड़ा अदरक का है, इसे हम कूट लेते हैं। इसमें हम, ये हमारा तेल गर्म है, इसी में हम अपना आधा चम्मच जीरा डाल देते हैं, 2 लाल मिर्च डाल देते हैं,
और ये जो हमने कूट के लिया है इसे भी डाल देते हैं और इसे हम ऐसे ही 2 मिनट तक भूंजेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम अपनी कढ़ी वाली जो घोल थी इसमें डाल देते हैं। ऐसे ही हम इसे चलाते रहेंगे। यदि आपको घोल ज़्यादा गाढ़ा लगे तो आधा कटोरी पानी आप और डाल सकते हैं, लेकिन इतना पानी परफेक्ट है। इसमें हम 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच मिर्ची पाउडर डालेंगे क्योंकि मिर्ची हमने हरी मिर्च भी डाला है, और ये 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच काली मिर्च और जीरे का पाउडर है, इसे भी मैं डाल देती हूँ, और ये 1/2 चम्मच हमारी गरम मसाला है, इसे भी मैं डाल देती हूँ, और इसे ऐसे ही मीडियम आंच तक 15 मिनट तक पकाते रहें। इसे लगातार चलाते रहें, नहीं तो ये अंदर से चिपक जाएगा, बैठ जाएगा बेसन। नमक सबसे लास्ट में हम डालेंगे, नमक डालने से दही हमारी फट जाएगी और कढ़ी हमारी अच्छी नहीं बनेगी। कढ़ी बनाते समय दही खट्टी ही ले क्योंकि कढ़ी खट्टी ही अच्छी लगती है। नहीं हो तो आप नींबू का रस 1/2 काट के डाल दें। पकाते पकाते हमें 15 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसमें नमक डाल देते हैं। इसमें हम 1 चम्मच नमक डाल देते हैं, यदि आपको कम लगे तो और डाल दें, नहीं तो इतना ठीक। ढक के 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं ताकि हमारे पकौड़े अच्छे से पक जाएं। 2 मिनट हो चुके हैं, हमारे पकौड़े भी अच्छे से गल गए हैं। अब हम इसे गैस बंद करते हैं और नीचे उतार लेते हैं। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। देखिए कितनी अच्छी हमारी कढ़ी बनके तैयार हुई है। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है।